सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बाईस साल के बाद फिर दहल उठा संसद। 13 दिसंबर 2001 का वो दिन जब संसद ही नहीं पूरा देश दहल उठा था इस घटना से। आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? संसद परिसर में सुरक्षा को ध्वस्त कर देने वाली यह दूसरी घटना है। संसद के अंदर 2 लोग घुसते हैं और अपने साथ स्मोक कलर ले जाते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर आरोपी अंदर स्मोक कलर कैसे लेकर गए? संसद के गेट पर मेटल डिटेक्टर क्यों फेल हो गया? जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि आरोपी अपने जूते में स्मोक स्टिक छुपाकर संसद के अंदर ले गए थे। आखिर लोकतंत्र के मंदिर को इतनी बड़ी चुनौती देने वाले वह कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सुरक्षा को भी चकमा दे दिया? हंगामा चल रहा था, आरोपी थी स्मोक कलर निकालकर पूरे संसद को दहशत में लाना चाहता था। वहीं कुछ सांसदों ने हिम्मत कर उसे आरोपी को पकड़ा और उसको पीटने लगे। इस दौरान सांसद काफी गुस्से में थे। नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। आज संसद में जो हुआ वो बड़ा ही शर्मनाक घटना थी। एक तरफ सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं तो दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर उनके इरादे कुछ और होते तो आज कुछ भी हो सकता था, कि इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा में भारी चूक को लेकर सांसद बड़े ही चिंतित हैं। संसद के अंदर जो हंगामा हुआ उन आरोपियों में सबसे पहला नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन। सागर लखनऊ का रहने वाला है, वही मनोरंजन कर्नाटक के बेंगलुरु में रहता है। वहीं संसद से बाहर जो महिला है उसका नाम नीलम है। नीलम हरियाणा की है और उसका साथी अनमोल शिंदे महाराष्ट्र से है। बताया जा रहा है कि यह सभी पहले से एक दूसरे को जानते थे। संसद की सुरक्षा में कमी को लेकर कुछ आदेश पारित किए गए हैं कुछ समय के लिए। संसद में विजिटर पास को अगले आदेश तक रोक दिया गया है।